यस वी क्लास यूनिट नंबर 6 भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी यूनिट नंबर 6 भी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बातें नहीं करनी अभी लिखिए क्या होता है रिफ्रैक्शंस लिखो इट इज अ फिनोमिना इन विच इट इज अ फिनोमिना इन विच लाइट कैन चेंज इट्स पाथ लाइट कैन चेंज इट्स पाथ बाई चेंजिंग द मीडियम भी लाइट कैन चेंज इट्स पाथ बाई चेंजिंग द मीडियम लाइट क्या करेगी अपना पाथ चेंज करेगी बाई चेंजिंग द मीडियम्स भी जो मीडियम चेंज करेगी लाइट तो उसका पाथ क्या होगा चेंज होगा भी उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाते ऐसे हैं दो मीडियम हैं फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम लाइट आ रही है एंटर किया मीडियम के अंदर लाइट क्या करती है अपना पाथ चेंज कर लेती है ठीक है बाई चेंजिंग द मीडियम्स भी इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन भी अब यहाँ पे मीडियम की बात हुई है क्लास दो तरह के मीडियम काउंट किए जाते हैं यहाँ पे पहला लिखिए आगे लिखिए इतना हो गया लिखिए अभी टाइप्स ऑफ मीडियम भी टाइप्स ऑफ मीडियम दो तरह के हैं पहला लिखिएगा रेयर मीडियम रेयर मीडियम क्या होता भी जिस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उसको रेयर मीडियम बोलते हैं सीधी सी बात ये कर लोगे जिसके अंदर लाइट की स्पीड क्या हो ज़्यादा हो किसके कंपैरिजन में भाई किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग रेयर मीडियम स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है 10^8 मीटर पर सेकेंड्स में तो किसके अंदर है एयर या वैक्यूम के अंदर मानी जाती है कर लोगे जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी किसी दूसरे के मीडियम के हिसाब से उसके उसको क्या बोलेंगे रेयर मीडियम स्पीड लिख लीजिए द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हाई या हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू अदर मीडियम्स भी एज कंपेयर टू अदर मीडियम ओके तो एयर क्या है ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम लोग जब तक दो मीडियम नहीं होंगे बता नहीं सकता है कि कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है कर लोगे सेकंड पॉइंट डालिएगा डेंसर मीडियम ऐसे यार होता क्या डेंसर मीडियम क्या होता है भाई स्पीड कम होगी एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम्स भी देख लीजिए इन दिस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लेस एज कंपेयर टू रेयर मीडियम लाइट कम होगी एज कंपेयर टू रेयर मीडियम्स भी अब दो मीडियम है भाई एक को बोलेंगे रेयर मीडियम सीधी सी बात ये भी होती है जिसके मॉलिक्यूल्स मीडियम के दूर दूर हों उसको क्या बोलते हैं रेयर मीडियम जिसके मॉलिक्यूल डेंस हों भाई उसको क्या बोलते हैं डेंसर मीडियम्स भी सही है अब देखो भाई एयर और वाटर के अंदर कौन सा रेयर मीडियम है कौन सा डेंसर मीडियम है भाई एयर और वाटर में एयर एयर मीडियम है वाटर डेंसर मीडियम है वाटर और ग्लास में भाई वाटर एयर मीडियम हो जाएगा ग्लास डेंसर मीडियम ग्लास और डायमंड में ग्लास रेयर मीडियम हो जाएगा डायमंड डेंसर मीडियम हो जाएगा भाई समझ में आ रहा है हम हमेशा कंपेयर करते हैं दो मीडियम को जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी वो रेयर होगा जिसमें कम होगी वो डेंसर होगा भाई ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि ये रेयर ही फिक्स रहेगा भाई अब एयर भी दो तरह की हो सकती है एक एयर जिसके अंदर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो एक जिसका टेम्परेचर कम हो भाई जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल दूर भागेंगे इट इज़ रेयर मीडियम्स भी जिसका टेम्परेचर कम होगा उसके मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे इट इज़ डेंसर मीडियम्स भी एयर में भी दो मीडियम हो जाएंगे
कर लोगे yes. तो मीडियम को फिक्स मत कीजिए कि एयर ही रेयर मीडियम है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसमें स्पीड कम होगी वो रेयर होगा, सॉरी डेंसर होगा, ज़्यादा होगी वो क्या होगा, रेयर होगा। कर पाओगे क्या सर? नो। अब जब लाइट एंटर करती है किसी मीडियम से किसी मीडियम के अंदर तो क्या होता है अभी? हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थी भी, हमने देखा ऑब्जर्व किया था इस पॉइंट के कि जब लाइट या कोई भी वेव अपना मीडियम चेंज करती है तो क्या फिक्स रहता है? फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सब कुछ बदल जाता है अभी उसका। कर लोगे? फ्रीक्वेंसी में से क्या रहती है? कॉन्स्टेंट्स भी। अब ये देखो भाई, आपकी बुक्स में लिखा जाता है, टेंथ क्लास की बुक में लिखा जाता है कि लाइट जब एंटर करती है रेयर से डेंसर मीडियम में तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। जब वो एंटर करती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो अवे हो जाएगी नॉर्मल से, ऐसा क्यों? कोई भी टीचर इसका आंसर नहीं देता, वहाँ पर गारंटी आपको भी मिला होगा, मिला था है? स्पीड की वजह से बोलते हैं, एक स्पीड की वजह से सब कुछ होता है सारा काम। बिल्कुल सही बात है भाई। कैसे होगा देखिए भाई, लाइट ऐसे है, ये मीडियम मान लेते हैं, इट इज़ रेयर मीडियम, इट इज़ डेंसर मीडियम भी, ठीक है। लाइट आ रही है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ भी, मेरा हाथ लाइट है भाई, ओके। तो ये हाथ जब एंटर कर रहा है ऐसे, तो पहला एंट्री ये इस पॉइंट पे हुआ है इसका भी, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। मैंने बोला था कि लाइट ट्रेवल इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट्स भी। तो लाइट ऐसे आ रही है मेरा हाथ, तो यहाँ पे पॉइंट पे एंटर हो गया अभी, ये अभी भी हवा में है ये वाला सेक्शंस, तो इसका एंटर करते ही इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा अभी। इसका स्पीड क्या है? ज़्यादा है भाई, एयर में ज़्यादा होती है। तो क्या होगा अभी क्लास, ये सेक्शन पहले आने की कोशिश करेगा? यस सर नो। अब मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, समझ में आया कि नहीं आया? ये इंसिडेंट बीम है भाई, ये नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए ऐसे अगर मीडियम चेंज ना होता तो, बट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। पहला पॉइंट डालिए रिफ्रैक्शंस का, लाज नहीं है अभी, इसी का है, लिख लीजिए। When light enter from rear to denser medium, when light enter from rear to denser medium, it bend towards the normal. It bend towards the normal. TOWERDS. It bend towards the normal. वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है हमेशा। नॉर्मल ये है या ये है? दिस इज द नॉर्मल, ये इसकी तरफ मुड़ती है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एक किस्म से रूल बता रहा हूँ आपको मैं, आगे डायग्राम में यूज होंगे भी। कर लोगे? सेकंड पॉइंट डालिएगा, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, when light enter from denser to rare medium, then it bend away from the normal speed. Then it bend away from the normal. वो normal से दूर हट जाएगी भी। कैसे होगा? ओके लिख दिया भी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स। देखिए मेरा हाथ देखिए अभी, अब मेरा हाथ ट्रेवल कर रहा है मीडियम के अंदर भी, ओके डेंसर मीडियम में स्पीड सेम होगी हर जगह पे, ये बात सही है। वाटर में स्पीड सेम होगी सारे वाटर में, एयर में सारे में स्पीड सेम होगी, ये सर नो। मीडियम में ट्रेवल कर रहा है हाथ मेरा, अब यहाँ पे क्या हुआ, हाथ एंट्री कर चुका अभी रेयर मीडियम के अंदर, ये वाला पार्ट्स भी, ये वाला भी किस में है, डेंसर मीडियम में। एंट्री बाहर निकालते स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इसकी, किसकी, लाइट की, ज़्यादा स्पीड है रेयर मीडियम में, यस सर नो। लेकिन ये हाथ अभी भी किस में है, पार्ट भी डेंसर मीडियम में है, तो ऐसा जाएगा, पहले ऐसा जा रहा था, अभी ऐसा जाने की कोशिश करेगा भाई, पहले ये पार्ट पहले आएगा भाई। कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आपकी बीम है और ये नॉर्मल है, अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये स्ट्रेट चलता भाई ऐसे, बट अब क्या होगा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से, ये अपनी ही पोजीशन में मुड़ते हैं भाई, हमेशा ध्यान रखिए इस बात को भी। इसकी पोजीशन थी एक्चुअल में भी, अब ये इसके अकॉर्डिंग मुड़ा है, ये इसकी पोजीशन थी, ये इसके अकॉर्डिंग मुड़ा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से।
समझ में आया कि नहीं आया? सारा करवाएंगे, चिंता मत करो। जब तुम लोगों ने पढ़ रखा है उससे बहुत ज़्यादा कराऊंगा, तुम्हारे सिलेबसों से भी बहुत ज़्यादा कराऊंगा। तुम किताब ले आए तो नहीं बेचारे मास्टर में बोलेंगे, हरियाणा बोल रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट भाई, ये 16 थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम क्लास। ओके, देखो क्लास, देखिए भाई, लाइट अगर ऐसे आती है नॉर्मल टू द सरफेस भी, क्या हुआ? बीमार लोग बैठे हुए। लाइट ऐसे आ रही है भाई, अब देखिए नॉर्मल लाइट गिर रही है, मेरा हाथ लाइट है भाई, लाइट स्पीड एक साथ है, एक साथ एंटर करेगा भाई, एक साथ। ये अकेली कंडीशन ऐसी है रिफ्रैक्शंस के अंदर जहाँ पे लाइट की पाथ चेंज नहीं होता भाई बाय चेंजिंग द मीडियम्स में। जब लाइट कैसे एंटर करती है 90 डिग्री टू द सरफेसिस में, कर लोगे लिख लीजिएगा, व्हेन लाइट फॉल नॉर्मल टू द मीडियम भी, व्हेन लाइट फॉल नॉर्मल टू द मीडियम, नॉर्मल टू द मीडियम, इट डज नॉट चेंज इट्स पाथ भी, इट डज नॉट चेंज इट्स पाथ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस, दो लॉज हैं भाई। फर्स्ट लॉ देखो क्या बोलता है भाई। देखिए ये मीडियम है भाई, ये मीडियम रेयर मीडियम, ये कौन सा? डेंसर मीडियम। लाइट आ रही है ऐसे मान लेते हैं, जो लाइट सोर्स से आती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट बीम या लाइट बोल सकता हूँ। जहाँ पे स्ट्राइक किया है वहाँ पे ड्रा कर देते हैं एक नॉर्मल से, यस और नो? ये क्या है? नॉर्मल, बातें नहीं करनी। अगर लाइट मीडियम चेंज ना करती तो क्या करती? इट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइंस ऐसे। लेकिन मीडियम चेंज हो गया और लाइट एंटर कर रही है रेयर टू डेंसर मीडियम में, इट बेंड टुवार्ड द नॉर्मल्स भी, इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये कौन सी बीम है? रिफ्रैक्टेड बीम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो एंगल बना रहा है ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं इसको। जो यहाँ बन रहा है इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस बोलते हैं। नॉर्मल के साथ ये बीम बना रही है तो यहाँ पे आई लिख दीजिए, क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शंस। तो लाज हमको पढ़ने हैं, डायग्राम बना लीजिए एक बार जल्दी से। क्या आई और आर बराबर है भाई? बराबर तो नहीं है, यस सर ना? तो वहाँ पे आई इक्वल टू आर आना तो केस नहीं होगा अभी कोई, यहाँ पे कर लोगे तो लिख लीजिएगा, द रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट भी, द रेशो ऑफ साइन, एस आई एन लिख दो, साइन कोस टेंजेंट, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ, सॉरी, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। दोबारा सुनिएगा, द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखा गया है इसको? देखिए साइन आई, ये बोल रहा है साइन आई बाई साइन आर हमेशा कॉन्स्टेंट होगा भी। ओके, और इस कॉन्स्टेंट का नाम दिया गया है भी, इसको म्यू से लिखते हुए, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक ही बनने वाला भी, ठीक है? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रेशो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। ओके,
सेकेंड रूल लिखिए अभी, पहला हो गया इंसिडेंट बीम, लिखिए इंसिडेंट बीम नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड बीम, इंसिडेंट बीम नॉर्मल रिफ्रैक्टेड बीम लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन मतलब वही बोल रहा है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए आप लोगों को भी, लाइज इन द सेम प्लेन, देखो क्या मीनिंग है भाई, ये मान लेते मीडियम मेरा हाथ मीडियम है भाई और ये लाइट एंटर कर रही है ऐसे भी, ओके ये लाइट एंटर करने के बाद कहाँ जाएगी बताने के लिए रूल है, अभी कहाँ जाएगी मीडियम में जाएगी पक्की बात है भाई, मीडियम में जाएगी तो ऐसे जाएगी मीडियम में, ऐसे जाएगी मीडियम में, ऐसे जाएगी मीडियम में, कैसे जाएगी भी? ये ऐसे जाएगी, लाइट गई है और ये ऐसे मुड़ जाएगी कुछ, अगर एक पेज डाल दूँ तो तीनों एक पेज पे आ जाएंगे भी, दे लाई इन द सेम प्लेन, कर लोगे प्लेन होता है सरफेसिस भी, टू डायमेंशन सरफेस को बोलते हैं, लाइट ऐसे नहीं, देखो ये पेज मान रहे पेज है भाई, ये लाइट इसके अकॉर्डिंग आ रही है, ये लाइट इससे पेज से बाहर नहीं जाएगी, समझ में आया कि नहीं आया, दे लाइज इन द सेम प्लेन बिखरेगी नहीं उस तरह से लाइट, कर लोगे yes. तो ये था अभी आपका सेकेंड रूल भी, देर आर लाई इन द सेम प्लेन, रब कर दें इसको क्लास पूरे हो गए भी हो जाएगा, इसमें नया पॉइंट आया क्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास बातें नहीं करने भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी अच्छा टॉपिक बनता है, देखो भाई हमारे पास दो मीडियम होंगे, मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकंड, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है लाइट आ रही है तो बैंड होगी कुछ, मुड़ेगी तो एंगल बनाएंगी, उस एंगल के रेशियो क्या बोला गया था, म्यू बोला गया था अभी, कर लोगे अब ये देखिए, अब ये एक्चुअल म्यू होता क्या है अभी, रिफ्रैक्टिवनेस बोलते किसके, ये रेशियो किसका है अभी, एंगल का तो हो गया निकाल लिया हम लोगों ने, एक और पॉइंट अभी जब लाइट एंटर करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड बदल जाती है अभी, कर लोगे तो यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं V1 है अभी लाइट की, यहाँ पे कितनी है V2 हो जाएगा अभी, क्या दोनों बराबर हैं भाई, अगर ये ऊपर वाला रेयर है ये डेंसर है तो कौन सी ज़्यादा है, V1 ज़्यादा है अभी, तो एक तरीका है लिखने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेशो है अभी, ये स्पीड का रेशो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई इन मीडियम्स में, हम किसके निकाल रहे होते हैं मीडियम के नहीं आंसर निकाल रहे होते हैं हमेशा, तो एक बार लिख लीजिएगा, लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, देखो मैंने म्यू लिखा है अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा है, कैसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये V1 है भाई और ये कितनी है V2 हो गया इतना भी क्लास, ये है म्यू वी बाई, एक तो देखो फॉर्मूला ये बन गया इसका म्यू इज इक्वल टू V1 बाई V2 भी, ठीक है अब इसमें देखिए इसका तरीका लिखने का, उसमें बच्चे उसमें गलती करते हैं लिखने का तरीका, गलती होती है यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ तक आ रही है अभी, मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में जा रही है, तो उसको लिखना तरीका ये है मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकंड भी, आपकी NCERT बुक में डी लिखा होता है इसको, डी सिंबल से होता है NCERT बुक में, लेकिन म्यू एक तो सिंबल इसका म्यू होता है, 1 से 2 भी ये हो गया, इसका मतलब ये है क्लास स्पीड के साथ ये है हम किसकी निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन,
हमने मीडियम की निकाली है भाई हवा के हिसाब से भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बोला ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय इन मीडियम्स भी, मतलब हमने किसकी निकाली है, मीडियम की निकाली है एयर के रिस्पेक्ट में भी, एयर का वैल्यू वन होता है म्यू का, कर लोगे? ठीक है, हमने निकाली है एयर की सॉरी मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू वन। अगर उल्टा कर दूं तो भाई लाइट टू से वन में आ रही है तो उसी नंबर लोगे इसको वी टू बाई वी वन करोगे। आपको जिसकी भी निकालनी है उसको नीचे रखिएगा और जिसके हिसाब से निकालनी है उसको ऊपर रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बार जगह पे यूज होगा भाई ये पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन इसमें यही बनता है, तो ये हो गया वेलोसिटी के साथ कैसे करें आंसर इसका। दूसरा भाई आपको ये बोला जाएगा कि मेरे पास दो मीडियम हैं, एक की म्यू ये है एक म्यू ये है, स्पीड नहीं बोलेगा म्यू देगा आपको दोनों की, अब बताओ कैसे निकालोगे? एक की दूसरे मान लेते हैं लाइट एंटर कर रही है ग्लास से डायमंड के अंदर भी, स्पीड नहीं दे रहा भी म्यू दे रखी ग्लास की म्यू 1.5 है, डायमंड की हाईएस्ट होती है 2.42 भी, 2.42 आपको निकालनी है डायमंड की विद रिस्पेक्ट टू ग्लास भी, स्पीड नहीं है तो कैसे निकालेंगे? देखिए अब इसी में देख लो, इसको रब कर दें डायग्राम को भाई, अब ये डायग्राम चलो रब कर देते हैं इसको एक बार। हमें निकालनी है देखिए ऐसे, ये कोई मीडियम है अभी, मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकेंड भी, इसका म्यू वन है भी म्यू वन, ये कौन सी है म्यू टू, ये नॉर्मल मान लेते हैं, कर लोगे? दो मीडियम की दे रखी है आपको। अब ये जो म्यू वन है ना, म्यू वन इन्होंने बोला ये एयर के हिसाब से अभी, और म्यू टू भी किसके हिसाब से है एयर के हिसाब से, तो म्यू वन की आंसर कैसे निकालो म्यू वन का? म्यू वन इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी बाय इन मीडियम वी वन ले लेते हैं, यस और नो? म्यू टू कैसे लिखूंगा? सी वाई वी टू वाई, मेरे को पता नहीं वी वन वी टू की वैल्यू कितनी है लेकिन मेरे को ये दे रखा है भाई, कर लोगे? तो इस फार्मूले के हिसाब से भी लाइट एंटर कर रही है वन से सेकेंड मीडियम में भी, वन टू सेकेंड मीडियम, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वन भाई? सी बाई म्यू वन, सही लिखा है मैंने, बाई सी बाई म्यू टू, कितना आंसर आएगा? म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको स्पीड दे रखी हो तो नीचे वो रखिएगा जिसकी निकालनी है, अगर आपको म्यू दे रखा तो ऊपर वो रखिए जिसकी निकालनी है, कन्फ्यूज मत होइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उल्टा कर दूं तो बदल जाएंगे उसी टाइम पे, टू से वन में जा रहे हैं तो उस हिसाब से ये कर पाओगे? Yes, sir. दो तरीके लिखने के, तीन तरीके हो गए, एंगल के साथ, स्पीड के साथ और म्यू के साथ भी। एस भी नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब भी। ग्लास स्लैब क्या हो, टुकड़ा होता है भी कांच का, रेक्टेंगल फॉर्म में मान सकते हो, यानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से ये नहीं खिड़की है, ऐसा ग्लास है भी, ये भी एक स्लैब है भी, उससे लाइट पास करती है तो कैसे रिफ्रैक्शन करती है भी, ये होता ना यहाँ से हमको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। देखिए ग्लास स्लैब देखिए कभी लेबोरेटरीज के अंदर देखी हो, ऐसे एक रेक्टेंगल फॉर्म होती है, ठीक है ना? ऐसे एक्सपेरिमेंट किया नहीं किया? देखो अभी ग्लास, ये ग्लास स्लैब है आपकी एक्स वाई जेड, कोई भी ग्लास स्लैब है एक्स वाई जेड एम, ठीक है? इसमें यहाँ से एक लाइट आ रही है अभी, इट इज़ द इंसिडेंट लाइट ए बी मान लेते हैं, ठीक है? बी पॉइंट पर स्ट्राइक किया हुआ है, यहाँ से ड्रा करते एक नॉर्मल से, ओके? रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर ये मीडियम चेंज ना होता तो लाइट क्या चलती? स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अब क्या होगा? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको बनाने की जरूरत नहीं, अभी बाद में बनाएंगे डायग्राम इसका, ये कर लोगे? ये जो एंगल होगा आप देखो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है भाई, ये मान लेते हैं सी पॉइंट, अभी ये बीम होगी बी सी, इज अ रिफ्रैक्टेड बीम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड बीम। अब यहाँ पे अगेन नॉर्मल ड्रा कीजिए भाई, अगर मीडियम चेंज ना होता तो स्ट्रेट चलती, लेकिन अभी क्या कर रहा है? डेंसर से रेयर में जा रही है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कर लोगे? इसको बोलते हैं इमरजेंट बीम भी, जो बाहर निकलती है भी, इमरजेंट बीम। हमने क्या किया, इस बीम के यहाँ पे भी
एक मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर, नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली। तो अगर उसका आई 90 तो आरबी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, यस सर नो। तो बीम्स क्या करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वापस ये पाथ पे वापस जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? जो पाथ फॉलो किया वही यूज करेगा ये बार बार, हो जाएगा भाई। ये जो एंगल बन रहा है अभी, कौन सा एंगल बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल्स, इसको आई वन मान लूँ भाई, क्योंकि बहुत से एंगल बनने वाले हैं अभी यहाँ पे। ये जो एंगल बन रहा है अभी, ये कौन सा है, रिफ्रैक्टेड एंगल्स, इसको मैं आर वन मान लूँ। ये भी एंगल बन रहा है कोई, ये इसके लिए इंसिडेंट है, कुछ वैल्यू लेते हैं, इसको आर टू ले लूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लेता हूँ आई टू, कोई फर्क पड़ेगा इस बात से? अरे आई आई और आई जैसा सिंबल्स भी, सो हम ए बी सी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे? ये एंगल इसके लिए इंसिडेंट है, ये एंगल इसके लिए इंसिडेंट है भाई, मैंने इसको आई टू क्यों लिया है, वापस आ रही बीम अभी, ये इंसिडेंट है इसके लिए। समझ में आ रहा है क्या? ये इसके लिए क्या है, रिफ्रैक्टेड, ये इंसिडेंट, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड, डबल केस हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? डायग्राम बनाओ भाई, ये मिरर एम है भाई, एम मैंने यूज़ कर लिया गया, एक्स वाई जेड, चलो रहने दो, मिरर एम, एम ले लेते हैं, तो मिरर एम भी, एक्स वाई जेड के बाद क्या आता है, कुछ नहीं आता भाई, पी ले लेते हैं, पी वी हैव ए, वी हैव ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वी हैव ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ए सॉरी एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड पी, ओके आगे लिखिए, ए इंसिडेंट बीम, ए इंसिडेंट बीम ए बी, ए इंसिडेंट बीम ए बी स्ट्राइक ऑन द ग्लास स्लैब, ए इंसिडेंट ए बी स्ट्राइक ऑन द ग्लास स्लैब एंड इट हैव पाथ, इट हैव पाथ ए बी सी डी, ये इसका पाथ होगा भाई, इट हैव पाथ ए बी सी डी आफ्टर रिफ्रैक्शन भी, इट हैव पाथ ए बी सी डी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ज़्यादा कुछ थ्योरिकल नहीं है, सिंपल यूज करेंगे इसको हम लोग, इतना ही है अभी, कर लोगे? आगे लिखिए अभी, देखो लाइट जो आ रही है ना ग्लास, यहाँ से आ रही है, एयर है, ये एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है, हो जाएगा। अगर आप सनेला अप्लाई करते हो, सनेला समझ आता है, मतलब को लिखवा सनेला, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी का पहला पॉइंट है जी सनेला भी, लिख दीजिए अभी वहाँ पे इसको, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में मैं जो लिखवाया था, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सनेला भी, स्नेल्स लॉ भी, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट था ना रिफ्रैक्शन का, लॉज का फर्स्ट पॉइंट था साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इट इज कॉल्ड स्नेल लॉ भी, हो जाएगा, ये चलेगा इसमें पूरे में। लिखिए भी क्लास, लिखो एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पे स्नेल अप्लाई करते हैं अभी, ओके क्या था स्नेल, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, लाइट कैसे एंटर कर रही है अभी ए बी पॉइंट पे, एयर से ग्लास में जा रही है, तो म्यू कैसे लिखते हैं हम लोग वहाँ पे, याद है साइन आई, यहाँ पे आई वन है बाई साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू, म्यू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे हो रहा है एयर से ग्लास में जा रहे हैं, ये तरीका लिखने का इसका, एयर से कहाँ जा रहे हैं ग्लास में, लिखवाता मैंने आपको म्यू के बारे में भी। अब एट पॉइंट सी पे चेक करते हैं भी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, एट सी, एट पॉइंट सी, अब सी पॉइंट पे चेक करो भाई, सी पॉइंट के ऊपर कौन सा एंगल इंसिडेंट एंगल है, आर टू इज द इंसिडेंट एंगल्स, आई टू इज द रिफ्रैक्टेड एंगल्स, कर लोगे? तो स्नेल अप्लाई क्या करोगे इसके लिए, साइन आर टू बाई साइन आई टू, आई टू, और म्यू क्या होगा, ग्लास से एयर में जा रहे हैं,
सी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ग्लास से एयर में जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई? एनी प्रॉब्लम क्लास? इक्वेशन सेकंड भी ओके। अब लिखिए आगे भी, इतना हो गया। लिखो प्लेस ए प्लेन मिरर, प्लेस ए प्लेन मिरर नॉर्मल टू द, नॉर्मल टू द बीम सी डी, नॉर्मल टू द बीम सी डी। इसके बिल्कुल क्या कर देते हैं, नॉर्मली रख देते हैं यहाँ पे मिरर, प्लेन नॉर्मल टू द बीम सी डी। सो बीम कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथवे, सो बीम कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। ये बात समझ में आ रही है? बीम क्या कर रही है, वापस ले जाएगी इसी पाथ के ऊपर। एनी प्रॉब्लम क्लास भी? अब जब वापस जाएगी, जब बीम अब वापस जा रही है, अभी अगेन अप्लाई करते हैं स्नेल लाइट पॉइंट सी के लिए भी। लिख लीजिए एट सी, इसको रब कर दूंगी। लिखिए एट सी, एक कुछ आवाजें हो रही हैं भी, चीं 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 नहीं है, हो रही हैं। एट पॉइंट सी चेक करो भाई, सी पॉइंट पर चेक कीजिए अभी, एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा है, आई टू है, और रिफ्रैक्ट एंगल कौन सा है, आर टू। तो क्या लिखोगे, साइन आई टू बाई साइन आर टू। लाइट कैसे जा रही है, लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, ढंग से चेक करो भाई, लाइट जा रही है एयर से ग्लास के अंदर। इक्वेशन नंबर थ्री, समझ में आया कि नहीं आया अभी? अब ये देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में, देखिए दोनों का राइट हैंड बराबर है अभी, चेक कर लो। यस और नो, लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थ्री, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों का राइट बराबर है तो लेफ्ट बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, साइन आई टू आई वन बाई साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आई टू बाई साइन आर टू। सही लिखा मैंने? ये दो इक्वेशन बराबर हैं, क्या इनके एंगल बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, वो कंडीशन थोड़ी है, ये थोड़ी इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। ये हो सकता है 16/8 हो, ये हो सकता 4/2 भाई। यस सर ना, ये बराबर थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन अगर डायग्राम ढंग से चेक करो आप, डायग्राम में ये बना हुआ था भाई, ये था ये एंगल, और ये एंगल बराबर हो सकते हैं, चेक करो डायग्राम में। यस सर नो, आर वन और आर टू तो बराबर हो सकते हैं भाई, क्योंकि ऐसा बन रहा है अरेंजमेंट्स, आर वन एंगल आर वन इक्वल टू एंगल आर टू भाई, डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल आर वन इक्वल टू एंगल आर टू। अगर ये नीचे वाली चीज बराबर, पक्का ऊपर वाले बराबर हो जाएंगे इसी टाइम पे। यस सर नो, अगर नीचे 16 कर दिया तो पक्का ऊपर 8 ही मिलेगा भाई आपको, सॉरी 8 कर दिया नीचे ऊपर क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा बराबर करने के लिए। नीचे वाली बराबर होगी तो ऊपर वाली बराबर होनी चाहिए भी। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि आई वन, देखिए जब आर वन आर टू बराबर होंगे तो ये बराबर होंगे, साइन वैल्यू बराबर होंगी, तो ऑब्वियस अब ऊपर वाले वैल्यू बराबर होंगे भी, तो ऊपर वाले में क्या होगा, एंगल आई वन बराबर है एंगल आई टू भी। यस सर ना, अरे बराबर हैं तो एंगल बराबर होंगे इनके, कर पाओगे? ये बात ढंग से देखो ना, क्या लक्ष्मण मेरा आपको बात में, ये ग्लास स्लैब में जिस एंगल से लाइट एंटर कर रही है उसी से एग्जिट भी कर रही है अभी, ये हो रहा है डायग्राम एक्चुअल में। लाइट जिस एंगल से एग्जिट एंटर कर रही है ग्लास स्लैब में उसी से क्या कर रही है, एग्जिट भी कर रही है। यस और नो, और जब टेंथ में आप एक्सपेंड करते हो ना, इसका एक्सपेंड करते हो पिन लगा के भी, अब ढंग से आप ये सेम एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट वैल्यू सेम होती है इन रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब भी। वहाँ पे दिखाते हैं एक्सपेरिमेंटली, या प्रूव करते हैं मैथमेटिकली भी, कर लोगे हो जाएगा। यह तक हो गया टॉपिक, ये अभी नहीं पूरा नहीं हुआ है। अब डायग्राम दोबारा बनाते हैं, किस फॉर्म में बनाएंगे कि एंगल बराबर है भाई, उस फॉर्म में भी रब कर दें इसको, क्या तुम लोग वैसे गलती करोगे इसमें बनाते हुए। देखिए अभी क्लास, हमारे पास ग्लास स्लैब थी भी, कौन सी थी, एम था पी, बातें नहीं अभी। देखिए बीम जा रही थी भी ऐसे, ये नॉर्मल था भी आपका, ये मुड़ गई थी ऐसे, ये नॉर्मल था भी,
यही था ना। इमेजिन करो भाई, मीडियम चेंज ना होता भी, ए बी पे ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था भी। ये एंगल आई है अभी, आई ले रहा हूँ तो ये भी आई है अभी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये एंगल आर है तो ये भी आ रहा है, अब तो ठीक है। आई आई आर आर, मान लीजिए कि ए बी बीम का मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या होता भी? ये स्टेट चलती भी, इट मूविंग द स्टेट लाइन्स। मीडियम बदलने से इसका पाथ चेंज हो गया भी, तो ये अपने पाथ से कितना पीछे हट गई भी या कितने आगे चलेगी, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी। हमको ये निकालना कितना हटेगी, कर लोगे तो कितना हटी, ये हटी भाई इतना। नॉर्मल ड्रा करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, कर पाओगे तो आपको ये पॉइंट निकालना। एम आ गया था क्या? हड्डी तो नहीं आया, सारे आ लिए, 26 ही हमारे पास था ना भाई। ए लिख दो उसको फिर, ठीक है, समझ में आया। हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ई, इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, कुछ चेंज करना पड़ेगा इस चीज के लिए। अभी मान लेते हैं ग्लास स्लैब की मोटाई है कुछ भी, ये टी मान लेते हैं, टी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। ये लाइन यहाँ से ड्रा करता हूँ भाई, तो ये यहाँ पे नॉर्मल बनाएगी, डॉट देखो सब कुछ भी। ओके, तुम्हारे जो डस्टर नहीं है बोर्ड ज्यादा खराब करते हैं, सब कम करते हैं। ओके, अब पॉइंट ई आ गया, तो ई के बाद क्या आएगा? एफ, ठीक है, डायग्राम बनाओगे, कर लोगे। अब देखिए डायग्राम में, डायग्राम देख लीजिए एक बार। देखो ये इसका एक्चुअल पाथ था अभी, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो भी कर पाओगे। अब ये मुड़ गया क्लास ऐसे, तो ये कुछ ना कुछ तो एंगल मुड़ा होगा भी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन भी, क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल से लिखते हैं भी। तो मैं पहले कहता हूं डेल इज एंगल ऑफ डेविएशन, स्पेलिंग क्या होगी? हैं? क्या काटू? डी ई वी आई, ठीक है वो डी ए वी टी आई यू एन, डी ई वी ए तो डेल क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन क्लास, ठीक है। और टी है भाई, लिख दीजिए थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, अभी नहीं हुआ, टी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अब आपको ये निकालना, अभी क्या निकालना है? सी ई, सी क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लिख दो अभी। सी वी क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, C इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, L A T E R A L, ये निकालना होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस टॉपिक का नाम ये आता है, फाइंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन द ग्लास स्लैब, कर लोगे। तो मैं ट्रायंगल्स ये यूज कर लेता हूँ क्योंकि इसी में आया हुआ अभी। इन द ट्रायंगल B C E, इन द ट्रायंगल B C E, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यही होगा ना बी सी, यही होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन डेल भी? साइन डेल, साइन डेल का वैल्यू कितना होगा? इस ट्रायंगल्स के अंदर बेस कौन सा है? बी सी, बी सी इज द बेस, कुछ भी बोल लेते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का भी, ये बेस अभी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर अभी, कर लोगे तो सी ई बाई K
कितना लिखें, बी सी बी, सी ई बाई बी सी, समझ में आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या, मेरे को बी सी पता नहीं कितना, अभी इसको निकालने के ट्रायंगल्स यूज कर लेता हूँ अगेन भाई, इन द ट्रायंगल्स भी बी सी एफ, इन द ट्रायंगल बी सी एफ, इस ट्रायंगल में है ये, ओके okay. इस ट्रायंगल्स के लिए अगर आप साइन आर निकालते हो, कोस आर भी, क्योंकि बेस बेस आपको दे रखा है टी है ना, ये टी है ना, ये मोटाई इसकी, तो कोस आर निकाल लीजिए, कोस आर किसकी वैल्यू होगी अभी, ये बेस है बी एफ डिवाइड बाई बी सी, यही है, सही लिखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, बी एफ की वैल्यू कितनी है, टी बाई कोस आर, तो लिख दे टी बाई कोस आर भाई, टी बाई कोस आर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो साइन डेल की वैल्यू कितनी होगी, साइन डेल इज इक्वल टू सी ई बाई बी सी, कितना है टी बाई कोस आर, चेक करो, यस आर नो, आपको सी ई निकालना है अभी, तो क्या लिखें, टी इंटू साइन डेल बाई कोस आर भी, चेक करो, ये निकालना हमको। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि जो ये जो डेल में है ये आर में है, हम मोस्टली केसेस आई और आर में यूज करते हैं भी एग्जाम्स में, क्या इसको आई आर में चेंज कर सकते हो, डायग्राम को देखिए ढंग से भी, इतना हो गया भी क्लास, हो गया इतना, डायग्राम को ढंग से देखिए, ये एंगल कितना अभी क्लास, ये एंगल आई है, ये कितना एंगल है आई, एक यानी ऐसे गई हुई है, एक यानी ऐसे गई हुई है, तो पूरा एंगल कितना होगा भाई, आई होगा, अपोजिट एंगल है, यस और नो, तो मैं लिख सकता हूँ आई बराबर है किसके भी, आर प्लस डेल के भी, आर प्लस डेल, तो डेल बराबर है आई माइनस आर भी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट टी साइन आई माइनस आर बाई कोस आर, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू ग्लास स्लैब, इतनी दूर मुड़ जाएगी बीम सबके भी, समझ में आया कि नहीं आया अभी, yes, आपको गिवन होगा कि आई ए कितना है, आई कितना है, कितनी मोटाई है ग्लास स्लैब की, अगर आई आर नहीं दे रखा तो आपको म्यूज मिलेगा दिया हुआ, वहाँ से आप निकाल सकते हो, अब ग्लास स्लैब भी कर लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा,